सो अगेन सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल झारखंड अफेयर्स पर। मेरा नाम है सुमन और मैं एक नया किताब लेकर आया हूँ, सबले सोहान खोट्टा, और झार पाठशाला के जो शिक्षक हैं लेखक रोहित सर, इनके द्वारा ये लिखित है ये किताब, और मार्गदर्शन पब्लिकेशन का ये किताब है। इससे पहले भी एक मार्गदर्शन पब्लिकेशन का किताब आया था जिसका नाम है संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य, और इसके जो लेखक है डॉक्टर बी एन ओदार सर हैं। ठीक है, मार्गदर्शन पब्लिकेशन का, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो मैंने किताब थोड़ा एनालाइज़ किया, तो इस किताब में मुझे क्या मिला ना कि लाइक ये जो किताब है ये पूरा CGL पे बेस्ड है, बिल्कुल CGL का यहाँ पर पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पर छाप दिया गया है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं इस किताब का जो मूल्य है वो 525 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लेकिन मुझे ये 300 रुपये में मिला है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका प्राइस सेट हो सकता है। ठीक है, और मार्गदर्शन पब्लिकेशन का ये किताब है, और लेखक मैंने जहाँ आपको बता ही दिया, लेखक रोहित सर हैं झार पाठशाला के। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक दिया गया है। सबसे पहले खोट्टा भाषा का सामान्य परिचय, खोट्टा भाषा साहित्य, खोट्टा शब्द की उत्पत्ति, खोट्टा भाषा की उत्पत्ति, खोट्टा भाषा क्षेत्रीय भेद और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको इस बुक्स में भी मिल जाएगा, बिल्कुल ये सर आपको ये पूरा टॉपिक आपको इस बुक्स में मिल जाएगा। ये जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हूबहू मिल जाएगी। जितने भी यहाँ पे डिटेल्स है और उसके साथ जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपको इस किताब में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिया गया है इस किताब से, मैं ये चीज़ बात करूँगा। देखो यहाँ पे जो उनार्थक शब्द है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है, जिसमें ये इस किताब में ये वो नहीं है, ये जो किताब है ना इसमें नहीं है। ठीक है, तो उनार्थक शब्द एक तो है, और इसमें एक चीज़ नहीं दिया गया, लाइक मैंने प्रत्यय और उपसर्ग यहाँ पर मुझे मिला नहीं। ठीक है, अब मैं अगेन बात करूँगा कि इसमें क्या अच्छा दिया गया। देखिए जैसे खोट्टा भाषा का लोकगीत, ठीक है, लोकगीत का मैंने देखा लगभग 15-20-30 यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर जो भी लोकगीत का जो पंक्तियाँ होती है वो पंक्तियाँ थोड़ा बहुत दिया गया है, और पंक्तियों के साथ भावार्थ बताया गया है। तो मतलब सब कुछ कवर नहीं किया गया है, मतलब कुछ कुछ पंक्तियाँ दिया गया है हर गीत से, पूरा मतलब आप बोलोगे कि पूरा गीत का पूरा दिया हुआ है वो नहीं है। अब मैं बात करूँगा 18 नंबर पॉइंट, शिष्ट गीत और कविताएँ, जैसे एक पथिया डोंगल महुआ, तो ये किताब जैसे है तो इसमें भी पूरा डिटेल्स के साथ दिया गया है, अगर हिंदी भावार्थ के साथ, और पूरा कविता भी दिया गया है। और अगर हम बात करें शिष्ट गीत की, मांदर बाजरे बासी बाजरे, जो सोहान लगेरे बुक्स है शांति भरत का, तो इसका भी बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे मुझे इस बुक में क्या अच्छा लगा, ये जो लोक कथा जो चैप्टर है इसमें क्या है, इसमें क्या क्या है ना, ये खोट्टा में भी पूरा जो लोक कथा है वो बताया गया है, और साथ में इसका हिंदी सारांश भी दिया गया है, और प्रश्न लगभग 15-20-30 प्रश्न हर एक टॉपिक का, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और शिष्ट कहानी अगर बात करें, छैयर, बोना क्लोर, हम कैसे जिए, जो भी है, ठीक है, सोनमटी और छैयर का, तो उसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 15-20-30 यहाँ तक। नाटक, नाटक में भी लगभग आपको अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद आपको साहित्यिक जो निबंध है उसमें भी अच्छा खासा मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं JSSC द्वारा आयोजित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे यहाँ पे सेट मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल बनाओगे तो बेनिफिट रहेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा पेजेस क्वालिटी। ठीक है, देखिए पेजेस क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा मिला है भाई, काफ़ी अच्छा है। बुक की मोटाई की बात करें तो देख सकते हैं ये है मोटाई, ठीक है, ये है मोटाई, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेखक परिचय दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा किताब है। और लगभग लगभग 379 लगभग यहाँ पर आप 380 पेजेस है इसमें। ठीक है, और चलिए मैं आपको बात करता हूँ, आप जैसे देख सकते हैं JSSC द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाएं, तो काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर, साथ में खोटा साहित्य कार्यों का अगर हम व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध बताएं, तो देखिए ये सारे जो है ना भुवनेश्वर दत्त और श्रीनिवास पानूरी, जो सिलेबस के आधार पर ये दिया गया है, और इनका पूरा डिटेल्स दिया गया है। आप अगर ढूंढोगे कि मुझे चाहिए दिनेश दीनमणि का या शांति भरत का चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन शांति भरत जी ने जो लिखा है जो भी लोक कथा वगैरह, तो वहाँ पर आपको शांति भरत का पूरा जीवनी वो सब थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो पूरा डिटेल्स में वो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बेनिफिशियर है, और बिल्कुल इसे आप खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें नया दिया गया है, बिल्कुल नया दिया गया। बाकी आपके पास अगर संपूर्ण खोटा है तो आप बिल्कुल ये व्याकरण ये सब कर सकते हो, लेकिन ये पूरा सिलेबस एकदम CGL पर बेस्ड है, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा किताब है। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा 6600 एग्ज़ाम गुरु, काफ़ी अच्छी किताब है, मैं उस पर नेक्स्ट लाने वाला हूँ, खोट्टा का सबसे बेहतरीन किताब। और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस, और हमारे प्रीवियस वीडियो पे आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।